हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे बी एस सिक्स गाड़ियों में जो री जनरेशन होता है वो किस आधार पे होता है क्या हमारा ई सी एम डिसाइड कर लेता है कि अब हमें री जनरेशन करना है अपने आप या फिर गाड़ी का ऑपरेटर गाड़ी का ड्राइवर डिसाइड करता है कि अब री जनरेशन होना है या फिर हमारा जो एक जो सिस्टम है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम वो डिसाइड करता है कि कब रीजनरेशन होना है या फिर हमारे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में जो हम बड़ा मफलर देखते हैं जिसमें पांच यूनिट आते हैं उनमें से कोई यूनिट डिसाइड करता है कि कब रीजनरेशन होना है रीजनरेशन का हम बता देते हैं कि तीन टाइप का रीजनरेशन होता है पहला ऑटो रीजनरेशन गाड़ी अगर हमारी हाईवे पे चल रही है 50 के ऊपर की स्पीड में और अगर रीजनरेसर रिक्वायर्ड की परिस्थिति बनती है तो अपने आप डीपीएफ की लाइट ब्लिंक करेगी और रीजनरेशन शुरू हो जाएगा ऑपरेटर को पता भी नहीं चलेगा रीजनरेशन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म बस क्लस्टर मीटर पे हल्की सी लाइट जो है जलेगी और उसने देखा तो ठीक नहीं देखा तो भी रीजनरेशन हो जाएगा ऑटो रीजनरेशन बोलते हैं अपने आप होता है हर गाड़ी के अंदर लेकिन लोकल गाड़ियों में जैसे दो से चार किलोमीटर की ट्रिप है किसी की दो कि किलोमीटर के अंतर में माल खाली करना भरना है उसमें नहीं होगा रीजनरेशन होने के लिए ऑटो रीजनरेशन होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि गाड़ी हमारी कम से कम सौ किलोमीटर का ट्रिप लगाती हो जिसमें कम से कम पचास से साठ किलोमीटर हाईवे पे चलती हो उस सौ किलोमीटर के अंदर जो हाईवे पे चलती हो उसमें से 50 किलोमीटर हाईवे पे चलना हो या आधे घंटे तक या पौने घंटे तक गाड़ी हमारी 50 के ऊपर की स्पीड में चलती रहे तभी ऑटो रीजनरेशन होता है अगर ये स्थिति गाड़ी का नहीं बनती है मतलब गाड़ी बस है तो वो पचास की ऊपर की स्पीड में नहीं चल सकती सिटी में अगर टीपर है मट्टी भरती है और खदान में चलती है खदान में इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं चलती तब क्या होता है इन गाड़ियों में फिर रीजनरेशन ऑटो रीजनरेशन कैसे होता है तो इन गाड़ियों में ऑटो रीजनरेशन की लाइट जलेगी और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो एक्टिव रीजनरेशन या मैनुअल रीजनरेशन करना पड़ेगा तो वो कौन करेगा तो वो गाड़ी का ऑपरेटर या गाड़ी को जो बनाते हैं वो कर सकते हैं गाड़ी का ऑपरेटर देखेगा कि हमारे क्लस्टर मीटर पे डीपीएफ की लाइट जल रही है और शायद बी एस सिक्स में क्लस्टर मीटर में डी पी एफ रीजनरेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आएगा तब हमें उस बटन को पाँच सेकंड तक रीजनरेशन की बटन को दबा के रखना है और अपनी गाड़ी को पार्क करना है पहले पार्क करने के बाद न्यूट्रल कर देना है गाड़ी को स्टार्ट कर देना है और पाँच सेकंड उस लाइट को बटन को दबा के रखेंगे और रीजनरेशन शुरू हो जाएगा थोड़ा सा गाड़ी में से स्पार्किंग भी निकलेगा शायद और 15 से 20 मिनट किसी किसी गाड़ी में 30 मिनट के अंदर डीपीएफ पी का प्रोसेस एक्टिव या मैनुअल बोलो उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारी गाड़ी में से लाइट भी चली जाएगी और हमारी गाड़ी नॉर्मल स्थिति में चलेगी अगर ऐसा नहीं होता है ऑटो रीजनरेशन नहीं होता है ऑपरेटर को मालूम है कि लाइट जल रही है लेकिन इसका करना क्या है अगर उसको पता नहीं है कि मैनुअल या एक्टिव रिजनरेशन कैसे करवाना है तो गाड़ी चलते रहेगी चलते रहेगी और सूट का लेवल जो कार्बन होता है पार्टिकुलेट फिल्टर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के अंदर सूट का लेवल 6 ग्राम से अधिक हो जाएगा या 9 ग्राम से अधिक हो जाएगा हाई लेवल पे या 11 ग्राम से अधिक हो जाएगा तब हमें हमारी गाड़ी डीरेल मोड में चली जाएगी मतलब किसी भी गियर में चलावे बीस की स्पीड से ज़्यादा चलेगी ही नहीं तो हमें वर्कशॉप में जाके लाइट भी आएगी डीपीएफ पी रिक्वायर्ड की लाइट भी आएगी साथ साथ में डीरेल मोड का फोल्ड कोड भी एक्टिव हो जाएगा और हमारी गाड़ी बीस से स्पीड बीस से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगी वो इसलिए बीस तक भी चलती है क्योंकि हमें वर्कशॉप तक या गैरेज तक जाना होता है नहीं तो वहाँ से पूरा ताम झाम उठा के यहाँ लाना पड़ेगा तो सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया हुआ है कि 20 की स्पीड में ही चलेगी आप पहले गियर में चलाओ तो दूसरे गियर में चलाओ तो भी तीसरे में चलाओ तो भी टॉप गियर में चलाओ तो भी तब वर्कशॉप में गाड़ी ले जाना पड़ेगा 6 ग्राम से अधिक 11 ग्राम के आसपास अगर जाता है तो सर्विस रिजनरेशन करवाना पड़ेगा कैसे तो लैपटॉप लगा के उसे ज़बरदस्ती बोलना पड़ेगा अब तू हो जा खुल जा सिम सिम तो अगर ऐसा सर्विस रिजनरेसन में भी अगर 11 ग्राम से भी ऊपर हो गया सेवेर लेवल मतलब बहुत इमरजेंसी कंडीशन तक पहुंच गया तो उसे हम सर्विस रिजनरेसन के माध्यम से एक बार चेक कर सकते हैं कमांड दे के सर्विस रीजनरेसन हो अगर वो हो जाता है तो फिर हमारा डी साफ हो जाएगा डी एक एयर फिल्टर के जैसा ही यूनिट है एयर फिल्टर हम गाड़ियों में साफ करते हैं खोल के मैनुअली खोलते हैं साफ़ करते हैं उसमें धूल जमा होती है उसी तरह का सेम एक फ़िल्टर है थोड़ा सा डिज़ाइन आकार उसका काम अलग है वो साइलेंसर के अंदर आता है दूसरे नंबर का यूनिट जो कालिक को रोकता है एयर फिल्टर जो इंजन में जाने वाली हवा में धूल को रोकता है और डी साइलेंसर से आने वाली धुएँ के अंदर से कार्बन पार्टिकल्स पीएम बोलते हैं पार्टिकुलेट मेटर या सूट बोलते हैं और शादी सिंपल भाषा में उसे कालिख बोलते हैं जो कार्बन काला काला साइलेंसर पे देखते हैं हाथ लगाने के बाद उसे क्योंकि वो अगर वातावरण में जाता है और ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा क्योंकि वो सांस लेने पर हर इंसान या जानवर के शरीर में जाएगा जिससे हमारे लंग्स में जाके जाम होगा और इसी को रोकने के लिए बी एस सिक्स गाड़ियों में डी पी एफ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डीजल जलने के बाद जो उसके कण बच जाते हैं पार्टिकुलेट मीटर उसको रोकने के लिए फिल्टर दिया उसको साफ करना पड़ेगा तो अगर सर्विस रीजनरेशन नहीं हो पाता है तो हमें आखिरी उपाय है कि डीपीएफ को खोल के दूसरे नंबर के यूनिट को खोल के क्यूमिन स्केर जो जिसको ठेका दिया हुआ है सफाई का सिस्टम उसके पास है तो उसे हम वहाँ पे क्यूमिन स्केर में या फिर टाटा कंपनी में खुलवाएंगे या फिर वर्कशॉप में खुलवाएंगे भेजना वहीं पड़ेगा या फिर कंपनी में भेजना पड़ेगा वो अगर जरूरत है तो उनको वो भेज सकते हैं अभी वारंटी में है तो अगर डीपीएफ ऑटो मैनुअल में काम नहीं बन रहा है सर्विस रिजनरेशन में काम नहीं बन रहा है तो आप अभी वारंटी अंडर वारंटी गाड़ियों का मत खोलिए उनको जाने दीजिए वर्कशॉप में भेजिए वहाँ पे वो खोलने का हो सकता है लेबर चार्ज लगे शायद वो भी ना लगे लेकिन सफ़ाई का जो प्रोसेस है अच्छे से साफ़ करने का वो क्यूमिन स्केयर में या फिर कंपनी में वो भेजेंगे वर्कशॉप वाले और वो साफ़ होके आ जाएगा अब हम देखते हैं हमारे पास एक चार्ट है उसमें देखते हैं कि अगर मिनिमम कितने घंटे के अंदर किसी गाड़ी को हम रेगुलर कितना घंटा चलाएं तो डीपीएफ हमारा जाम हो सकता है तो अगर दो से चार किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां हैं तो उसमें तो फिर कम कम किलोमीटर कम अंतर काटने वाली कम किलोमीटर के अंदर फेरा मारने वाली गाड़ियों में दो नंबर तीन नंबर चार नंबर ऐसे गियरों में ज़्यादा गाड़ी चलती है तो उसमें ज़्यादा डीजल जलता है उसमें डी हमारा ज़्यादा कालिख रोकता है ज़्यादा डीजल जलेगा ज़्यादा कालिक रोकना पड़ेगा तो ज़्यादा फिल्टर भी जाम होगा तो उनमें 24 घंटे में एक बार ऑटो रिजनरेशन की ऐसा एवरेज है कि एक दो दिन में वो होते रहता है अगर नहीं हुआ तो हमें एक्टिव रिजनरेशन करना पड़ता है लेकिन लाइन पे चलने वाली गाड़ियों में कम से कम सौ घंटे के अंदर एक बार तो ऑटो रिजनरेशन होता है सिर्फ लाइट जलती है ऑपरेटर को पता नहीं चलता ड्राइवर को पता नहीं चलता लेकिन वो होते रहता है तो एक होता कब है शुरू कब होता है शुरू या ऑपरेटर डिसाइड नहीं करेगा ई भी खुद का दिमाग नहीं है उसके पास अपनी सोच खुद की नहीं है उसे जितना बताया उतना ही करेगा तो ये परिस्थिति पैदा कब होती है कितने ग्राम पर लीटर कालिख जमा होती है हमारे डी के अंदर वो हम देख लेते हैं यह हमारे पास रीजनरेशन का एक चार्ट है और ये चार्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सूट बेस्ट बेस्ड रीजनरेशन सेटिंग तो कालिक जमा होती है उसके हिसाब से ही रीजनरेशन कब शुरू करना है और कब बंद करना है वो सेटिंग किया हुआ है इसी को पहले से बताया हुआ है ये देखिए सूट बेस रीजनरेशन ट्रिगड ट्रिगर इज सेट सिक्स ग्राम पर लीटर सूट बेस के हिसाब से कार्बन कितना जमा होता है उसके हिसाब से ट्रिगर इस सेट मतलब शुरू कब करना है वो सेट किया हुआ है छः ग्राम पर लीटर छः ग्राम पर लीटर जब जमा हो जाएगा तो शुरू होगा अब ख़त्म कब होगा तो यहाँ पे लिखा वेन एवर द सिस्टम डिटेक्ट जब भी सिस्टम पहचान करेगा इज सिक्स ग्राम यहाँ पे छः ग्राम लीटर छः ग्राम पर लीटर का कार्बन जमा हो गया है सूट इन द डीपीएफ डीपीएफ के अंदर जमा हो गया है रीजनरेशन विल बी ट्रिक रीजनरेशन शुरू हो जाएगा कब तक शुरू रहेगा दिस रीजन विल लास्ट फोर लिस्ट फोर तब तक शुरू रहेगा अनटिल जब तक द सूट लोड मतलब कालिक का जो लोड है कालिक जितनी जमा है वो डेढ़ ग्राम तक नहीं आ जाती डाउन टू 1.5 ग्राम पर लीटर इस तरह से ये शुरू कब होता है छः ग्राम होने पर शुरू होगा सात ग्राम मीडियम हो गया नौ ग्राम हाई हो गया ग्यारह ग्राम सेवर लेवल मतलब क्षमता से अधिक अगर ग्यारह ग्राम से ऊपर गया तो उसे खोल के साफ़ करना पड़ेगा जैसे हम एयर फिल्टर को खोल के साफ़ करते हैं वैसे ही हमें इसे भी खोल के साफ़ करना पड़ेगा तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हमारी छः ग्राम की लाइट होती है तो गाड़ी को 40 से 50 किलोमीटर चलने देना है जिससे ऑटो रीजनरेसन हो जाए अपने आप उसकी सफाई हो जाए अगर 6 ग्राम से ऊपर गया सात या नौ ग्राम तो एक्टिव री करना है एक्टिव मतलब बटन को दबा के रखना है पाँच मिनट गाड़ी साइड में खड़ा करके सॉरी पाँच सेकेंड और हमारा रीजनरेशन का रिक्वेस्ट हमारी रिक्वेस्ट जो है इसी ले लेगा कि हाँ आप बटन दबा के रखे हैं और आप चाहते हैं कि हम रीजनरेसन करें तो वो रीजनरेशन का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा और रीजनरेशन 25 से 30 मिनट तक होते रहेगा तब तक होते रहेगा जब तक डेढ़ ग्राम से नीचे तक डेढ़ ग्राम से नीचे तक हमारा सूट का लेवल मतलब काली जल के बाहर निकलने के बाद भी जब तक डेढ़ ग्राम तक बचेगा तभी वो बंद होगा इस तरह से जैसे हम गाड़ियों में एयर फिल्टर की सफाई रोज़ बरोज बर रोज जरूरी है उसी तरह से साइलेंसर की सफाई भी ज़रूरी है एयर फिल्टर हमें हाथ से खोल के साफ़ करना पड़ता था लेकिन बी एस सिक्स की गाड़ियों में साइलेंसर को खोल के साफ़ करना बहुत कठिन काम है तो ऑटो रिजनरेशन होता है छ ग्राम पे ऑटो रिजनरेशन होता है मैनुअल भी होता है और नहीं मैनुअल कर पाए आप तो सर वर्कशॉप में जाके आपको लैपटॉप से करवाना है उसको करने के बाद भी नहीं होता है तो हमें 11 ग्राम के ऊपर हो गया तो डी को खोल के साफ़ करवाना है जैसे एयर फिल्टर को खोल के साफ़ करते थे आपको खुद नहीं करना है क्विमिंग केयर में जाएंगे लेके वो साफ़ करके दे देगा उसको ठेका दिया हुआ है साफ़ करने का क्योंकि उनके पास डी सफाई का पूरा सिस्टम है आप जाएंगे सिस्टम से साफ़ करके देगा और अगर खोल के साफ़ करना है तो अक्सर आपको वर्कशॉप में गाड़ी ले जाना चाहिए जिससे लेबर चार्ज और सफाई का चार्ज आपको वारंटी में रहेगा अभी वारंटी में अगर आपकी गाड़ी है तो और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर गाड़ी में अलग अलग समय पर रीजनरेशन होता है और ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से कितने समय में हमारा डी साफ होना चाहिए इसी तरह हम आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लाते रहेंगे आप चैनल पे बने रहिए थैंक यू